अब आप उस राज पे पर्दा हटाने वाले हैं जो कि यूट्यूबर आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि घर पैसा जॉब एजुकेशन छोड़ने को तैयार हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए। नए क्रिएटर एक बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वो सिर्फ कंटेंट बनाने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप नए यूट्यूबर हैं, यूट्यूब की वीडियो बनाने वाले हैं, तो इस बात को आपने जरूर सुनना है और समझना भी है। यूट्यूबर्स के राज खोलने वाले हैं जिससे वो इतना सारा पैसा कमा रहे हैं। कि मैं आपको अब जो बात करने वाला हूँ वो असल बात करने वालों के, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो जो असल पैसा जो कमा रहे हैं वो इससे कमाते हैं। 3 लाख से 30 लाख रुपए तक एक ब्रांड एक यूट्यूबर को देती है। तो दोस्तों YouTube आखिर यूट्यूबर्स को कितने पैसे दे रहा है, क्योंकि लोग अपनी लाखों रुपए की जॉब छोड़ के फुल टाइम यूट्यूबर बन रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स का ये भी कहना है कि वो तो स्कूल ही नहीं गए, डायरेक्ट यूट्यूबर बने और वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। और अभी तो ये सिलसिला भी चल चुका है कि लोग अपने स्कूल कॉलेज को स्किप करके यूट्यूबर बनने को ज्यादा तरजीह देते हैं। आखिर ऐसा क्या है YouTube के अंदर, लोग अपना घर पैसा जॉब एजुकेशन छोड़ने को तैयार हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ YouTube के लिए। आखिर YouTube कितना पैसा देता है, किस तरह देता है, इन सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इसी एक ही वीडियो के अंदर। तो आपको सिर्फ ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि हम इसके अंदर वो सारे YouTube के और यूट्यूबर्स के राज खोलने वाले हैं जिससे वो इतना सारा पैसा कमा रहे हैं और किस तरह कमा रहे सब बताऊंगा मैं आपको। बस आपने वीडियो को पूरा देखना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब तो जरूर करवा देना, आपने तो जरूर कर दिया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि ये यूट्यूबर आखिर हमें क्यों कहते हैं कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, इस राज का भी पर्दा मैं जरूर उठाऊंगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो आपने क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है। शुरू करते हैं हम अपनी पूरी वीडियो को। मेरा नाम है शाहिद भट्टी और इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। YouTube कुछ भी इतनी आसानी से नहीं देता है, आपको उसका क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ता है। यहाँ पर इतनी एक्साइटमेंट है कि लोग दो वीडियो भी अपलोड नहीं करते कि लोगों के फोन आना शुरू हो जाते हैं, लोग उनसे पूछना शुरू कर देते कि भाई पैसे कितने कमा रहे हो, YouTube से कितने पैसे मिल रहे हैं तुम्हें, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो। तो मैं आपको बता दूं यूट्यूब पैसे जरूर देता है लेकिन इतनी आसानी से नहीं देता है। उसका एक क्राइटेरिया है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ता है, क्योंकि आपको सबसे पहले यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन करना होता है। उसका क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ और तफसील के साथ बताता हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि यूट्यूब का क्राइटेरिया क्या है जिससे आप एलिजिबल होते हैं यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम अवेल करने के लिए। जब आप यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम अवेल कर लेते हैं तो YouTube आपको मोनेटाइजेशन दे देता है। तो इसका क्या क्राइटेरिया, चले उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। समझ रहे हो आप? देखिए सबसे पहले तो आपको YouTube का चैनल बनाना पड़ता है। अगर आपकी Gmail की ID बनी भी है तो समझो कि आपका YouTube का चैनल ऑलरेडी बना हुआ है। आपको बस क्या करना है, सेटिंग में जाके रीनेम करके उसे सेव करना है और आपका YouTube का चैनल बन गया। लेकिन ये कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती, इतनी आसान ये जर्नी नहीं है, क्योंकि आगे आपको इस चैनल बनाने के बाद आपको उसका सबसे पहले क्राइटेरिया पूरा करना है। वो क्राइटेरिया ये कि आपको 1000 सब्सक्राइबर पहले फुलफिल करने ही हैं। अगर आप नए हैं अभी ज्वाइन करने वाले हैं तो आपके लिए YouTube ने थोड़ी सी आसानी ये की है कि जहाँ 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत पहले पड़ती थी, इस वक्त आपको 500 से भी काम चल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो फुलफिल करना थोड़ा सा और मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि उस पर आपको 4000 घंटे पब्लिक के रियल वॉच आवर आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं, क्योंकि उसके बिना आपकी ये दाल गलने वाली नहीं है। और अगर आप नए हैं, नया चैनल बना के आप ये करना चाहते हैं, तो आपके लिए 4000 आवर्स की बजाय 3000 आवर्स से भी काम चल जाएगा। लेकिन याद रहे ये क्राइटेरिया आपको पूरा करना है पूरे 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर अंदर आपको इसे पूरा कर लेना है, नहीं तो फिर शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए अगर आपके सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और आपके वॉच आवर पूरे नहीं हो पा रहे, YouTube ने थोड़ी सी और भी आसानी उसमें कर दी है। इस वक्त आप देख रहे हैं YouTube के अंदर शॉर्ट्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। शॉर्ट्स मीन्स के 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट की वीडियो को शॉर्ट्स बोलते हैं। आप अगर उस तरह की वीडियो बना के उसमें 10 मिलियन व्यूज आप ले आते हैं उसके साथ साथ, और अगर आप नए हैं तो 5 मिलियन से भी काम चल जाएगा।
1000 सब्सक्राइबर 10 मिलियन व्यूज शॉर्ट्स के पूरे हो जाते तो भी आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये 10 मिलियन व्यूज या 5 मिलियन व्यूज आपको 90 दिन के अंदर अंदर पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं एक साल के अंदर या 90 दिन के अंदर, आप ज्वाइन कर लेंगे YouTube का पार्टनर प्रोग्राम, जिससे YouTube आपको मोनेटाइजेशन दे देगा। तो उसके बाद YouTube की तरफ से आपके पास डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। डॉलर आना शुरू हो जाएंगे मतलब आपके दिमाग में एक सवाल तो आ गया होगा कि YouTube हमें ये डॉलर आखिर क्यों देगा, कैसे देगा और कितने देगा। YouTube हमें खुद से पैसे नहीं देता है, वो देता है हमें एडवर्टाइज से। अगर ये वीडियो शुरू की होगी तो शुरू में एड्स आएंगे और बीच में भी हो सकता है एड्स आए हो। तो YouTube जो है हमें जो पैसा देता है वो उन एड्स का देता है। जितने ढेर सारे हमारी वीडियोस के ऊपर व्यूज आएंगे, इसका मतलब हमारी वीडियोस के ऊपर एड भी उतने ही चलेंगे। अगर हमारी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा एड चलते हैं तो इसका मतलब हमारे पास ढेर सारे डॉलर आने वाले हैं, पैसे आने वाले हैं। लेकिन YouTube हमें कितना शेयर हमें देता है इन एडवर्टाइजमेंट का, उसमें भी मैं आपको बताता हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। YouTube जो एड रन करता है हमारी वीडियोस के ऊपर, YouTube जो एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रखता है और एक बड़ा हिस्सा अपने क्रिएटर को देता है। मतलब कि एक एड में से वो 45% YouTube खुद रखता है और 55% जो उसका रेवेन्यू आता है वो एक यूट्यूबर को देता है। मतलब कि एक एड के ऊपर अगर एक डॉलर आया है, 55% YouTube खुद रखेगा और 55% YouTube अपने यूट्यूबर्स को देता है। तो इस तरह से आप YouTube से ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। याद रहे कि आपकी वीडियो इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी गुड क्वालिटी की भी होनी चाहिए और टॉपिक भी ऐसा होना चाहिए कि YouTube मजबूर हो जाए उस पर एड चलाने के लिए। अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि वो वीडियो तो बना रहे होते हैं लेकिन वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा होता जहाँ पे YouTube यूट्यूबर्स के वीडियो के ऊपर एड चला सके। उस तरह का कंटेंट भी होना चाहिए, उस तरह का टॉपिक भी जरूर होना चाहिए कि आपकी वीडियो पे व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि व्यूज ढेर सारे आ रहे होते हैं लेकिन उसमें कोई पैसा जनरेट नहीं होता। याद रखें कि YouTube कभी भी व्यूज के ऊपर पैसा नहीं देता है, वो देता है एड के ऊपर। आपकी वीडियो इस तरह की होनी चाहिए कि कोई भी ब्रांड उस पर अपना एड चलाने के लिए तैयार रहे। इस तरह का कंटेंट बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत जरूर होती है लेकिन जरूर बन जाता है। नए क्रिएटर एक बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वो सिर्फ कंटेंट बनाने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये गलती आप नहीं करें, कंटेंट क्रिएट करें, ऐसा क्रिएट करें कि कोई भी अपनी कंपनी का ऐड चलाने के लिए YouTube को मजबूर कर दे कि आपकी वीडियो पे ये ऐड चले, और ऐड चलेगा तो ही आपके पास ढेर सारा पैसा ही पैसा होगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। एक बात इसमें जरूर मेंशन कर दूं, अगर आप नए यूट्यूबर हैं, यूट्यूब की वीडियो बनाने वाले हैं तो इस बात को आपने जरूर सुनना है और समझना भी है। क्योंकि नए यूट्यूबर्स क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी वीडियो के कंटेंट के ऊपर बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, एक रेडीमेड यूट्यूब चैनल खरीद देते हैं। उस पर क्या होता है, उनको 1000 सब्सक्राइबर और मोनेटाइजेशन वॉच आवर्स भी मिल जाते हैं लेकिन वो चैनल याद रखें आपका उस तरह ग्रो नहीं कर सकता जिस तरह आपका अपनी मेहनत से चैनल को ग्रो करते हैं। उससे भले आपको उस वक्त मोनेटाइजेशन तो मिल जाती है लेकिन आप ये देखेंगे कि उनके चैनल पे ना ही व्यू आ रहे होते हैं ना ही उनके चैनल पे पैसे आ रहे होते हैं। क्योंकि YouTube का जो सिस्टम है वो इतना डिजिटलाइज हो चुका है, उससे पता चल जाता है कि किसके फेक सब्सक्राइबर्स और वॉच आवर्स हैं, कौन कंटेंट पे मेहनत कर रहा है, तो उसको ज़्यादा तरजीह देता है ना कि एक रेडीमेड चैनल्स को। तो याद रखें, आप गलती अगर करने वाले कर रहे हैं तो नहीं करें। अब्बा नहीं मानेंगे। अपना चैनल खुद से बनाएं, अपनी मेहनत करें और यकीन माने 1000 सब्सक्राइबर और वॉच आवर हो जाएगा, पूरा टेंशन ना लें। सिर्फ आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए कि YouTube मजबूर हो जाए उसे लोगों के सामने लाने के लिए। तो दोस्तों, YouTube से किस तरह पैसे देता है वो तो आपने जान लिया लेकिन मैं आपको अब जो बात करने वाला हूँ वो असल बात करने वाला हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो जो असल पैसा जो कमा रहे हैं वो इससे कमाते हैं। आखिर वो क्या है, उस पर भी थोड़ी सी तफसील से बात कर लेते हैं। देखिए, YouTube से बहुत ज़्यादा पैसे तो मिलते हैं, ये ढकी छुपी बात नहीं है, ये आपको मैंने पूरी डिटेल के साथ बता दिया, लेकिन यूट्यूबर उससे ज़्यादा पैसा कहीं और से कमाते हैं तो इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यूट्यूबर जो है असल पैसा जो कमाते हैं वो कमाते हैं ब्रांड से। जी हाँ, जब कोई भी ब्रांड यूट्यूबर्स के पास चल के आती है, उससे कहती है कि हमारी ये ब्रांड है कि आप 30 सेकंड की वीडियो बना लें, अपनी वीडियो में 30 सेकंड के लिए इसको मेंशन कर दें या इसका शॉर्ट आउट दे दें
या फिर इसका लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में रख के उनको कहे कि इसका लिंक है, उसे डाउनलोड करो और ये कोड आप डालोगे तो इसके बोनसेस मिलेंगे और कुछ आपको डिस्काउंट भी जरूर मिलेगा। इस तरह का भी टैक्टिक यूज करके ये यूट्यूबर्स है वो लाखों रुपए कमाते हैं, यहाँ तक कि एक लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक भी कमाते हैं। कुछ यूट्यूबर 3 लाख से लेकर के 30 लाख रुपए भी इसी तरह स्पॉन्सर से कमाते हैं। देखिए पहले जब ब्रांड्स थी ज्यादातर फिल्म स्टार्स को क्रिकेटर्स को अपनी ब्रांड के लिए एंडोर्समेंट के लेते थे, लेकिन इस वक्त यूट्यूबर्स को ये सारी ब्रांड्स हायर इसलिए करते हैं कि यूट्यूबर्स की बहुत ज्यादा रीच होती है और यूट्यूबर के बहुत ही ज्यादा लॉयल फैन भी होते हैं। इसलिए जितनी भी ये कंपनी है जितनी भी ब्रांड्स है वो यूट्यूबर्स के पास चल के आती हैं, उनसे ब्रांडिंग कराती हैं, उनसे अपनी ब्रांड के शॉर्ट आउट दिलाती हैं और यहाँ तक कि 30 सेकेंड के लिए आप उनकी ब्रांड के लिए बात करोगे 3 लाख से 30 लाख रुपए तक एक ब्रांड एक यूट्यूबर को देती है। डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े यूट्यूबर्स हो, कितने व्यूज आपके पास आते हैं, कितनी आपकी लॉयल फैन बेस है। असल कमाई जो है वो ब्रांड्स है, जब ब्रांड्स आपके पास खुद चल के आती है तो फिर आपके पास पैसा ही पैसा होता है। तो याद रहे कि इसके लिए आपको अपना नाम बनाना पड़ता है, अपना कंटेंट बनाना पड़ता है। जितने भी आप यूट्यूबर्स देखते हैं उनका एक अपना नाम है, उनकी एक लॉयल फैन बेस है, इसी वजह से सारी कंपनियां उनके पास चल के आती हैं। मिसाल आपको मैं दे दूं कुछ यूट्यूबर्स की जो कि पाकिस्तान इंडिया के हैं, उनकी जिस तरह आप डक्की भाई को देख लें उनकी लॉयल फैन बेस है तो कितनी कंपनियां उनके पास चल के आती है। वो यकीनन यूट्यूब से पैसे कमाते हैं लेकिन असल कमाई वो इन ब्रांड से लेते हैं। इसी तरह भुवन बाम देख लें, बीबी की वाइफ, उसके कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ब्रांड से बात करता होगा तो लाखों रुपए में बात करता होगा लेकिन 30 सेकेंड बात करने के लिए। तो इसी तरह पाकिस्तान आजकल यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो दोस्तों अब उस रास्ते पर्दा हटाने वाले हैं जो कि यूट्यूबर आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उस रास्ते जब तक पर्दा डला हुआ है तब तक उनको पैसे मिल रहे हैं, आज उसका राज हम खो नहीं देते हैं। अचानक से एक यूट्यूबर अपनी ब्रांड को लॉन्च कर देता है और अपने सब्सक्राइबर से कहता है कि देखो ये मेरी ब्रांड है और मैंने इसको लॉन्च कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये ब्रांड उसी की अपनी है? पे अपनी टी शर्ट लॉन्च कर देता है कि भाई ये मेरा स्टोर बन गया, वेबसाइट पे जाएं आप वहां से ये टी शर्ट को अवेल करें। वो ब्रांड देखते ही देखते एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी होती है। आपको क्या लगता है कि वो ब्रांड खुद उस यूट्यूबर्स की होती होगी? बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना बिजनेस भी करते हैं लेकिन ज्यादातर बिल्कुल नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कोई यूट्यूबर अपना रेस्टोरेंट खोल रहा है, कोई अपनी क्लोथिंग ब्रांड खोल रहा है, कोई अपनी परफ्यूम की ब्रांड्स को लॉन्च कर दिया है, कोई तो शोरूम भी गाड़ियों का खोल के बैठ जाते हैं। असल में इसकी क्या हकीकत है तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं होता कि वो सारी ब्रांड उनके खुद की होती है, क्योंकि ये है यूट्यूबर का पीक। इस वक्त यूट्यूबर्स के पास इन्वेस्टर चल के आते हैं, असल में ये ब्रांड उन इन्वेस्टर की ही होती है, बस वो इन यूट्यूबर्स को कुछ परसेंटेज उस ब्रांड के दे रहे होते हैं, क्योंकि ये ब्रांड्स का नाम जो है इन यूट्यूबर के नाम से मुंसलिक होता है। इन यूट्यूबर्स को क्या करना होता है, उस ब्रांड का अपनी वीडियोस पे डिस्कस करना होता है, अपने सब्सक्राइबर्स को बोलना होता है कि आप जाके इस ब्रांड्स को लें, पहने, खाएं, घूमें, ऑनलाइन स्टोर बना के कहता है कि यहाँ से जाके चीजें खरीदो। तो आपको मैं बता दूं कि वो उनके खुद के नहीं होते हैं, होते होंगे बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह की खुद से इन्वेस्टमेंट करके काम करते हैं, क्योंकि अपने इन्वेस्टमेंट में नुकसान का भी ज्यादा चांस होता है। लेकिन ज्यादातर यूट्यूबर क्या करते हैं कि उनके पास जब उनका पीक होता है तो उनके पास कुछ इन्वेस्टर चल के आते हैं, वो उनसे कहते हैं कि हम एक ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं, हम रेस्टोरेंट लॉन्च करने वाले तो आप इसको ज्वाइन करें, आपका हम नाम यूज करेंगे, आपने अपनी ऑडियंस को बताना है कि ये आपके खुद की ब्रांड्स हैं, ताकि आपके जितने भी सब्सक्राइबर जो आपके लॉयल फैन हैं वो उसे जाके खरीदें, पहने, खाएं, पिएं, मजे करें। यूट्यूबर जब अपने पीक पर होता है तो उसकी लॉयल फैन बेस बन चुकी होती है। फायदा ये ब्रांड्स भी उठाते हैं, जब ये ब्रांड्स अगर खुद से शुरू करते हैं तो उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन जब ये किसी यूट्यूबर्स को हायर करते हैं, उसका नाम यूज करते हैं, उनका जो नाम है वो दिनों में ही बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इसका इन यूट्यूबर्स को क्या फायदा मिलता है? जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यूट्यूबर्स का जब वो नाम को यूज करते हैं तो ये ब्रांड उन यूट्यूबर्स को परसेंटेज तय करते हैं, मतलब कि 20% से लेकर के 50% के भी इनको मिलते हैं, मतलब कि ये उस ब्रांड के एक लिहाज से देखा जाए तो पार्टनर बन जाते हैं, 50% से लेकर के 20% तक के पार्टनर बन जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े यूट्यूबर्स हैं, कितनी बड़ी आपकी फैन बेस है और किस तरह की ब्रांड्स आपके पास चल के आती है। मतलब इसका ये होता है कि बस सिर्फ आपने अपनी वीडियोस के अंदर उस ब्रांड का डिस्कस करना है
और अपने लिंक शेयर करने हैं, अपने सब्सक्राइबर्स को कहना है कि जाके खरीदे, बस इतना कुछ करना पड़ता है आपको। और जाके कभी कभी आपको रेस्टोरेंट पे मुफ्त का जाके खाना भी खाना पड़ता है, तो बस इतना ही आपको करना होता है। ये कंपनियां और ये ब्रांड्स आपको महीने के लाखों रुपए पे करते हैं, वो भी ज्यादा कुछ किए बिना। यकीन मानो असल पैसा जो आता है वो यहाँ से आता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे यूट्यूबर इस तरह करते हैं, लेकिन ज्यादातर यूट्यूबर इसी तरह करते हैं कि कौन पूरी ब्रांड खोल के रिस्क लेगा भाई, यहाँ जब घर बैठे ही आपको 50% प्रॉफिट वैसे ही मिल रहा है। फुल कंपनी खोल के सारा सरदर्द अपने सर में डालना है, पैसा ही पैसा होगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको पता चले कि यूट्यूब आखिर यूट्यूबर्स को कितने पैसे देता है और यूट्यूबर्स के पास और कौन कौन से जरिए हैं जिससे वो पैसे बना रहे हैं। उम्मीद है कि आपके दिमाग में जितने सवाल थे दिमाग के अंदर अब आपके पूरे हो चुके। अक्सर लोग तो मुझसे भी पूछते हैं कि भाई यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो तो कितने पैसे कमा रहे हो, किस तरह कमा रहे हो। तो आपके लिए भी इस वीडियो को आपने अगर देख लिया है तो आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल चुके होंगे। मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर आपने कर दिया होगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि YouTube से आखिर आप कितने पैसे बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो की जानिब। अल्लाह हाफिज़।